नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज जहां देश में चारों ओर क्रिसमस की धूम है, वहीं एक परिवार में शोक का माहौल है। परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि परिवार के ही रिश्तेदार ने की है हत्या। मृतक के जीजा को किया गया है गिरफ्तार। मृतक के परिवार जनों का रो रो कर है बुरा हाल। मामला फतेहपुर सीकरी बाईपास का है। आगरा टू जयपुर को जाने वाले हाईवे के किनारे रहने वाले चिंटू पिता राधेश्याम का शव घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास मिला। शव को पुलिस ने बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए आगरा रेफर कर दिया है। जी, आज यहाँ जो घटना हुई है उसके बारे में आप हमें बताएंगे क्या हुआ है? जी, मतलब जो लड़का है वो मेरा मामा लगता है, ऐसी बात ही है। और मतलब मुझे रात को 10 बजे मेरे मोबाइल के द्वारा पता लगा कि लड़का घर से गायब है। और सुबह मतलब तकरीबन 9 बजे के आसपास मेरे पास फोन जाता है मोबाइल का, तो वो बता रहे हैं कि लड़के को मतलब रेलवे ट्रैक के पास, मतलब तकरीबन 200 मीटर दूसरी साइड में मतलब बंदा जो है कटा हुआ और ईंटों से प्रहार किया गया है। पूरी तरह से उनका हत्या का आशंका जताई है। क्या नाम है मृतक का? नाम का उपनाम जो है चिंटू है, और वैसे जो नाम है कामेंद्र सिंह। कामेंद्र सिंह कामेंद्र यहीं रहते थे? हाँ बिल्कुल, निवासी है। कुछ कार्य करते थे? नहीं, कोई कार्य नहीं करता। तो आपको कैसे पता पड़ा कि बॉडी वहाँ पड़ी हुई है? जी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है पुलिस वालों को पहले पता लगा है। आप लोगों को पकड़ने के बाद जैसे मतलब जिन पर आशंका थी उन्हें पकड़ने के बाद उन्होंने बताया है कि मतलब बॉडी वहाँ पर है। मतलब जो जिन लोगों ने हत्या का जिन पर मतलब संदेह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो पुलिस हिरासत में है। वो लोग कहाँ के हैं? वो बताया जा रहा है कि देवरी के रिलेटिव है लड़के। तो क्या आशंका लग रही है आपको कि किस वजह से ये हत्या की? आशंका ये है कि देखिएगा मतलब पुरानी रंजिश को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर माना जा सकता है प्रॉपर्टी को। इस वक्त खड़े हैं हम फतेहपुर सीकरी बाईपास रोड जो आगरा जयपुर हाईवे है, यहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। परिवार वालों का मानना है कि जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ही प्रॉपर्टी को लेकर के व्यक्ति की हत्या की है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें प्राइम 18 न्यूज और हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। फतेहपुर सीकरी से कैमरामैन विपिन के साथ अब्दुल कदीर की खास रिपोर्ट।